अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैं जो है वो आयजल से शुरू कर रही हूँ। आयजल क्या कर रही है? मोबाइल देख रही है। आयजल मोबाइल में क्या देख रही है? ओ, मोबाइल में कार्टून देख रही है आयजल। अच्छा चले, अब जो है वो शाम का टाइम हो गया है। दोपहर में तो मैंने जो है वो सफाई कर ली थी और जो है कपड़े वॉश कर लिए थे। तो अभी जो है वो आज संडे का दिन था, तो आज शाम का टाइम हो गया है। तो मैंने कहा कि अभी जो है वो दाल बनाने लगती हूँ। वो दाल बनानी थी, तो दाल के लिए जो है वो प्यास नहीं थे। तो हस्बैंड की जो है वो तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, तो हस्बैंड ने कहा कि आज तुम जो है वो सफ़ेद माश की दाल बिना जो है वो प्यास के बना लो। तो मैंने कहा चलो आज ट्राई करते हैं कि बिना प्याज के दाल कैसे बनती है। तो चलें अब बिना प्याज के दाल बनाने चलते हैं। है वो दाल जो है वो चढ़ाने के लिए 2 चम्मच बड़े जो है वो मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पीस लिया था वो ऐड कर दूंगी, क्योंकि और मेरे पास प्याज तो है नहीं, तो मैं बिना प्याज के दाल बना रही हूँ। तो अभी जो है मैंने ये ऐड कर दिया। वैसे जो है वो मूंग मसूर की दाल जो होती है या काली मसूर की दाल जो होती है उसमें तो तड़के में प्याज डलता है, इसमें जो है वो ऐसे ही पहले प्याज ऐड होता है इससे पहले, अदरक लहसुन से पहले। अब मैं अदरक लहसुन को जो है वो सौते कर लूंगी थोड़ा। दाल को जो है वो मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से जो है जब गलानी हो तो आराम से गल जाए। तो अभी दाल को मैंने भिगोया हुआ है और साथ में जो है वो हमारा अदरक लहसुन जो है वो सौते हो रहा है। इसके बाद जो है वो मैं टमाटर ऐड करूंगी, फिर उसके बाद मसाले ऐड करूंगी। तो मैं ही मसाले ऐड कर दिए थे वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च और हल्के जायका नमक ऐड कर दिया। अब इसके मसाले को हम जो है अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है मसाले में और इसे अच्छी तरह से भून रही हूँ। जब हमारे टमाटर जो है वो गल जाएंगे तो इससे हम जो है बड़ी वाली हरी मिर्ची जो है वो मैं ऐड कर दूंगी। हमारा मसाला जो है वो भून चुका है, 2 बड़ी हरी मिर्च वो ऐड कर देंगे इसमें। अब जो दाल मैंने भिगोई थी वो ऐड कर देंगे हम, के पानी के साथ ही ऐड कर देंगे। सारी दाल जो है वो हमने ऐड कर दी थी। अब जो है वो उबाला आएगा तो मैं हल्की आंच पे रख दूंगी दाल और पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब दाल पक जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। दाल जो है वो हमारी पक रही है और हस्बैंड जो है, मैं बर्तन धो रही थी तो हस्बैंड जो है वो क्या पेटी फ्राई कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो बर्गर लेके आए थे साथ में, बन लेके आए थे, तो हस्बैंड जो है वो बर्गर बनाने लगे हैं। व्यूअर्स को पूछ ले कैसे हैं व्यूअर्स आप सब। हाँ व्यूअर्स कैसे हैं आप सब, खैरियत से किस तरह है? आपको हमारा व्लॉग कैसे लगा आप आगे जरूर रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जो न्यू है हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है और हमें सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की जरूरत है। बाइक का हाथ बढ़ा दी कि भाई जो है वो और भी काम करेंगी, बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, बच्चों को हमने गेम लगा दी दीजिए। तो हमने सोचा कि आज संडे है तो मिलकर काम कर लेते, अच्छा रहेगा, जरा काम जल्दी हो जाएगा। भाई सबका ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो व्यूअर्स हमारी जो है वो दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अभी जो है वो धनिया तो नहीं था, मैं ऊपर से अदरक ऐड कर दूंगी। यहीं पे जो है मैं अपने जो है वो व्लॉग का एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।